हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ नया और अनोखा। अगर आप प्रोग्रामिंग से फ़न करना चाह रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए हैं। वेब पेजेस का कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है, रिएक्ट पे वीडियोस को आपको देखकर पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो मेरे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर आप रिएक्ट सीखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियोज़ को एंड तक देखिए, वीडियोज़ में आपको कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। आप देख लीजिए, मैं सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ। सारा कंपोनेंट मैंने क्रिएट कर लिया, हेडर, फूटर, डिटेल्स, ऐप, सारे जो हैं मैंने कंपोनेंट मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है। तो इसे हम कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वो आप वीडियोस को देखकर जान पाएंगे। हेडर कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मैं एक हेडर फाइल, देखिए आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, हेडर फाइल मैंने बना लिया था। उस पर मैंने जस्ट इंपोर्ट किया है इस फाइल को, अपने जो होम पेज है उसमें इंपोर्ट किया है इसको। इंपोर्ट करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते, जस्ट एंगल ब्रैकेट, उसका नाम और एक एंड टैग डाल देते हैं। वीडियोस को एंड तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और मैं आपको इसी तरीके का कंटेंट आपके पास लाता रहूँगा और आपको एडुकेट करता रहूँगा। सो दैट्स इट। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स। देखिए, मैंने बना लिया था कंपोनेंट, उसे रेंडर करने के लिए हम अपने index.js फाइल पे आ गए हैं। index.js फाइल पे आने के बाद हमें उसे कैसे रेंडर करवाना वो हम देखेंगे वीडियो पे। फिर हम अपने ऐप कंपोनेंट को क्रिएट कर ले रहे हैं। ऐप कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आप सिंटैक्स देख ही पा रहे होंगे। मैंने फटाफट से होम जो है, होम पार्ट को इम्पोर्ट कर लेने के बाद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि वो जो फूटर पार्ट है वो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए, हेडर पार्ट, ये फूटर पार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर। तो फटाफट से हम इसे देख लेते हैं कैसे बन पाया ये। हेडर और फूटर मैंने इंपोर्ट कर लिया था होम पेज पे, इसीलिए वो दोनों कंपोनेंट दिख रहा है। अब इमेज इंपोर्ट करने के लिए हमें इमेज यूआरएल को पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इमेज हेडिंग और टाइटल हमारा जो फूटर पार्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो आप वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।